हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और टुडे इज़ 14th of August एंड कल 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे। तो जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो निकल जाएगा इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड आज लास्ट डे है मेरा घर पे और आज निकलना रात में मेरे को बैक टू कैंपस। एंड काफ़ी जल्दी इस टाइम निकल गया यार, 2-2.5 महीने इतनी जल्दी निकल गया पता नहीं चला। और सोचा था छुट्टियां जब स्टार्ट हुई थी कि घर जाएंगे खूब मजे करेंगे, बहुत लंबी छुट्टियां हैं इस बार तो 2-2.5 महीने, बट बड़ी जल्दी निकल गई यार। अब तो बस लग रहा था कल ही तो आए थे और आज वापस जाना पड़ रहा है, बट ठीक है यार, समय निकल जाता बड़ी जल्दी। एंड अब वापस से रेगुलर अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी पे आ जाएंगे, जैसे क्लास लगाना, मस्ती मजाक जो चलता रहता है दोस्तों के साथ वो सब चलेगा। एंड अपनी गुड मॉर्निंग भी बड़ी जल्दी हुई है, 12:30 तो मैं सो के उठा। एक तो टाइम शेड्यूल घर पर इतना ख़राब हो चुका है मेरा कि क्या बताऊँ मैं, सुबह उठना ही मेरा 11-12 बजे से पहले होता ही नहीं है। अभी पिछले ऑनलाइन क्लासेस चली थी तब भी मैं बड़ी सोते सोते ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो अभी वहाँ जाके देखना पड़ेगा कैसे 8:30 बजे उठ के क्लास लगाने जाना है। अभी पैकिंग वगैरह निपटाता हूँ मैं, फिर चलेंगे गाड़ी लेके कहीं घूम के आएंगे, क्योंकि जब से गाड़ी सीखी है ना, सही बता रहा हूँ भाई, नशा सा हो गया गाड़ी चलाने का। इतना मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, मतलब ऐसा लगता है अब तो बस पूरे टाइम पर गाड़ी दे दो, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी चलानी है मेरे को। अब वहाँ पे वो चीज़ बहुत मिस करूँगा क्योंकि वहाँ पे कार नहीं मिल सकती यार चलाने, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। गाड़ी की राइड लेके आते हैं आखिरी बार, क्योंकि वहाँ तो फिर चलाने मिलेगी नहीं। एंड उसके बाद शाम को जिम भी चलेंगे, तो पैकिंग वगैरह निपटा लेता हूँ मैं फटाफट से, उसके बाद मिलता हूँ आपको, सीधा बाहर चलेंगे तब। 4 बज चुके हैं, अभी चलते हैं गाड़ी चलाने। एंड मिस करूँगा यार कार चलाना क्योंकि वहाँ पर मिलेगी नहीं। एंड सन ग्लासेस वगैरह लगा ली, एकदम बढ़िया से चलते हैं, एक दो चक्कर काट के आते हैं, और कुछ सामान भी था वो भी ले आता हूँ। जो रोड देख रहे हो ना यहाँ पे भगाते हैं, एकदम खाली पड़ी रहती है, फुल रेस एक बार में जू हो जाए भाई। ये रोड बहुत सही लगती है मेरे को, अभी तो फिर भी एक दो चीज़ें थी नहीं, तो कभी कभार तो बिल्कुल खाली रहती है, ऐसे मस्त भगाता हूँ मैं यहाँ पे, रोज़ लेके आता हूँ गाड़ी का। सही में इस चीज़ को मिस करूंगा यार वहाँ जाके मैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलाने मिलने नहीं वाली, एंड गाड़ी चलाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। अब मन करता है कि बस कहीं भी जाना हो छोटी से छोटी जगह में सीधा गाड़ी उठाओ और ले चलो, बस इतना मज़ा आता है गाड़ी चलाने। बड़ा लेट सीखा आई नो, मैं मानता हूँ बहुत लेट सीखा, बट सीख लिया तो अब मज़ा आया। बाकी इन्जॉय कर रहे हैं, मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है जयपुर में और सड़कें एकदम खाली खाली हैं। अपने मेरे को अपना एरिया बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे सड़कें खाली रहती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी रोड भी हैं और खाली रहती हैं। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करते रहो सब भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार तुम लोग, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। सिस्टम हैंग करना भाई, सिस्टम आज सिस्टम के पास देखते ट्रॉफी आती है नहीं, मतलब चांस तो फुल है कि आज जीत जाएगा एलविश यादव, क्योंकि इतने वोट भर भर के मिले होंगे उसे। चलो घर पहुंच गया हूं मैं, बस गाड़ी को पार्क लगाते हैं। एंड चला ली, बहुत चला ली यार, खूब चक्कर काट लिए गाड़ी से, इतने दिन रोज़ खाली लेके निकल जाता था मैं ऐसे। चलो घर आ गया है, बस पार्क वार्क लगाते हैं घर पे एंड चलते हैं। सो गाइस पहुंच चुका है जिम फाइनली, 1 लास्ट टाइम। एंड गाड़ी में तेज चल रही है, मेरे को पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है मेरी, बट वार्म अप कर लिया एंड फटाफट चेस्ट और ट्राइसेप को वर्कआउट करना है आज, अपने को मंडे है। फर्स्ट करते हैं, इनक्लाइन बेंच लगी है 10 से स्टार्ट। अब तो अपनी बेंच बहुत अच्छी हो गई यार, जो चीज़ चाहिए थी ना मेरे को बेंच बढ़ जाए, 100 kg फ्लैट बेंच टच, सही बता रहा हूँ 100 kg टच हो चुकी है। एंड उस दिन इतनी खुशी हुई थी दिल से ना भैया के, मैं पैर पकड़ लिए थे, मैंने कहा यार आपने जो गोल था मेरा कि बेंच बढ़ानी वो बढ़वा दी। चलो अभी फटाफट करते हैं, एंड उस दोस्त आएगा तो उससे बोलूँगा कि रिकॉर्ड भी करे। लास्ट सेट गाइस 27:30 लग चुका है, 27:30 इनक्लाइन, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इंक्लाइन पे 27:30 तो नहीं किया था मैंने, 25 किया है लास्ट, तो 27:30 करके देखते हैं, बट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। कॉलेज की व्लॉग वाली थी चेस्ट वाली, उसके अंदर 15 पे मेरे को मुश्किल हो रहा था, अभी 27:30 प्रोग्रेस देख रहे हो। चलो देखते कितने रैप निकलते हैं, 4 रैप निकल गए 27:30 पे, लास्ट वाला थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा लगा, बाकी 3 तो आप समझ लो सेल्फ आए थे पूरे। बाकी अब अपने को फ्लाई करनी है दूसरी एक्सरसाइज, इसलिए भैया ने बोला हैवी चले जाए एकदम, आज लग रहा है भैया लास्ट दिन कह रहे सब कुछ आज हैवी कर ले एकदम, लास्ट दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। बेंच इसका इनक्लाइन का 27:30 का हो गया अपना, 4 रैप 30 पे भी निकल आएंगे मतलब, और अब इस पे जाने को बोला है 60-70, देखते कितना होता है। चलो करते हैं वाली एक्सरसाइज। फाइनली जिम हो गया एंड आई एम वेरी सैड,
विश्वास ब्रो अगर तू ये देख रहा है व्लॉग, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ यार। चल जो भी रीज़न था तो नहीं आ पाया, बट यार आज आखिरी दिन था, अपना प्लान था वर्कआउट करेंगे लास्ट दिन बढ़िया से, बट कोई बात नहीं यार नहीं आ पाया, वो कुछ काम में फंस गया। बाकी चलो यार 7 बज गए हैं, 8 बजे बस है, फटाफट घर जाना है। अभी भी कुछ चीज़ें मेरे को पैक करनी बाकी रहेगी, वो पैक करते हैं फिर उसके बाद खाना पीना खा के सीधा निकलेंगे बस स्टैंड। वैसे दूर नहीं, ज़्यादा पास ही है, बट ठीक है। तो ये था अपना जिम, 2.5 महीने यहाँ पे आया, मस्त वर्कआउट किया एंड बाय बाय टू जिम। अब मिलेंगे जब वापस आऊँगा, क्यूट सा जिम है अपना, बढ़िया। चलो स्कूटी अपनी है, चलते हैं वापस घर, फटाफट पहुँचते हैं, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। तो चलो इट्स टाइम टू लीव, वापस चलते हैं। तो इसके बाद घर वालों को बाय बोल के, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके मैं निकल जाता हूँ बस स्टैंड की तरफ। ये आ गई अपनी बस सामने, फटाफट चलते हैं एंड बस सोना ही है जाके, अब सुबह 5 बजे पहुँच जाऊँगा। बस में बैठ चुका हूँ, ये देख लो सामने जूते हैं, बैग रख लिया एंड यहाँ पे थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ है, देखो लाइटें वाइटें लग गई इधर, ऐसे स्ट्रिप लगाई है लाइट की। बात ठीक है, तो सोते हुए जाना है एंड सुबह 5-5:30 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे पटियाला। और बस बिग बॉस आना, भी बिग बॉस देखते हैं कौन जीत रहा है यार। मैं चाहता था कि या तो संडे को हो जाता या जल्दी हो जाता बिग बॉस, आराम से देखता, बट अब बस मैं ऐसे जैसे भी है देखते हुए जाना पड़ेगा फिलहाल तो जो भी है। एंड राखी बन चुकी है क्योंकि अब राखी पे आना होगा नहीं पॉसिबल, तो अभी बनवा ली एक बहन से, ठीक है। बाकी बस अभी इतना सही है, छोटा छोटू सा कैबिन हमारा, यहाँ पर देखो ऐसा शीशा है, पर्दे ही पर्दे हैं हर जगह और बस ये सिस्टम है सब यहाँ पे। और अब देखते बिग बॉस देखते कौन जीतता है आज। कल अब कल सुबह पहुँच के ही कॉन्टिन्यू करूँगा ब्लॉग, क्योंकि अब है कुछ दिखाने को ज़्यादा है नहीं, तो चल सुबह पहुँचते हैं एंड रूम में पहुँच के सेट वेट करके सब दोस्तों से मिलाऊंगा। चल गाइस फाइनली वी आर हेयर, पटियाला पहुंच चुके हैं। पीछे देख सकते हो हॉस्टल डी नया नया बन चुका है एकदम। अब अंदर चल के देखते हैं, सुखबीर को बुलाया मैंने, नीचे आ रहा है, फिर सामान लेके ऊपर चलेंगे। एंड एक अंकल मिल गए थे, उनने अपनी गाड़ी से छोड़ दिया मैं यहाँ तक, तो थैंक्स टू हिम यार, मतलब 150 रुपये बचा लिए उनने हमारे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और थैंक यू, उनको बोल ही दिया था एंड वंस अगेन थैंक यू। और चलते अभी देखते कैसा सिस्टम है यहाँ का। और कल रात में 11:30 बजे तक बिग बॉस देखा, एल्विस जीत गया भाई, बहुत खुशी हुई, फटाफट मैंने क्लिपें उठाई सारी, बना के एक रील तैयार कर दी, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। चलो अभी आता होगा सुखबीर, फिर चलते हैं। बाकी ओ की कॉपी तो मार दी बहुत अच्छे से, अगर देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा होगा, पूरी ओ की कॉपी मार दी है प्यारी। अब अंदर चल के देखते हैं। तो ये है हॉस्टल डी की एंट्रेंस एंड वेटिंग एरिया, यहाँ पे सोफे वगैरह डले हैं बैठने के लिए, पीछे से बहुत अच्छा व्यू भी आता है, पूरा हॉस्टल दिखता है यहाँ से एंड फाउंटेन वगैरह भी दिखते हैं। देखो गाइस आ चुका सुखबीर सोते सोते, कैसा हाल है यार। थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, इत्याल करी हॉस्टल अलर्ट करवाया, बहुत मेहनत लगी है आपकी भी और हमारी भी। ठीक है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो अपना काम है, चलो चलते हैं पहले रूम चलते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है हमारी बालकनी से, सामने एम हॉस्टल दिखता है एंड हाँ बालकनी है, तो अब अच्छे अच्छे टाइम लैप्स व्लॉग में आते रहेंगे। ये गाइस व्यू है हमारे दोस्त के रूम से, इनका व्यू भी अच्छा है, पूरा हॉस्टल दिख रहा है यहाँ से एंड सामने मेस भी है, बैलून वैलून लगा रखे हैं नया, अभी तो देखो जितना चमक रहा है ना ये है, 4 दिन बाद सब गंदा हो जाना है, जितना इतना साफ पानी ना आज तक नहीं देखा मैंने, 4 दिन और रहेगा। मेरा मन पता क्या कर रहा है, बीच में झाग मिला दूँ, सरफ पड़ी है वो मिला दो बीच में, पहले दिन से मन कर रहा है वही परेशान कर दिया यार रूम के लिए। यार देख मैं तेरे को बोल रहा था ना वो ग्रीन वाला, देख ग्रीन वाला कितना अच्छा लग रहा है, वो पढ़ मेरे को तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों पढ़ लाल वाला ले ले वो नहीं भाई, लाल नहीं, लाल वो प्रॉपर लाल भी नहीं है, ग्रीन ही अच्छा लग रहा है, वो ग्रीन में पता नहीं वाइब्रेंसी आ रही है थोड़ी सी। ये देखो मैस, नहीं नहीं मैस एकदम इंडिपेंडेंस डे उसके लिए सजा रखा है पूरा, यहाँ पे एकदम सेटिंग है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे सर्विंग अभी तो क्या है केवल एक ही जगह सर्विंग हो रही है क्योंकि बच्चे भी इतने आए नहीं है ना, जब आ जाएंगे तब दोनों साइड चालू हो जाएंगे। चलो गाइस अब मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, अभी इधर आया था सब दोस्तों के साथ बैठ के खूब बातें करी, खूब मस्ती करी।
ये देखो गाइस हमारा थापर नया हो चुका है। ये है हमारा नया थापर। क्या हाल है? सही है। अरे तुम हॉस्टल देखोगे तो लेके ऊपर।